हम बड़े फखर से कहते हैं ना हमने खुद खड़े होकर सरसों का तेल निकलवाया जितना खालिस है उतना उसके अंदर एसिड ज़्यादा है कि वो उतना कैंसरस हो सकता है मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज जो है उसमें मस्टर्ड ऑयल को बैन कर दिया गया आज से पांच साल पहले दस साल पहले हम कहते थे अंडे की जर्दी मत खाओ इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा हम कहते थे कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज है अब विद टाइम हमें पता चला कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है कोलेस्ट्रॉल बुरा भी है अंडे की जर्दी में सारी न्यूट्रिएंट्स है अंडे की जर्दी नहीं छोड़नी उस टाइम पर मैं पढ़ रही थी मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं थी बट मुझे वो जमाना याद है जब

डॉक्टर आयशा नासिर जो मरूफ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं उन्होंने एक तहल का खेज दावा कर डाला है इनके मुताबिक सरसों का ऑयल कैंसर का बायस बन सकता है मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल आज हम इनसे जानेंगे आखिर ये अपने इस दावे में किस हद तक सच्ची साबित होती हैं मैडम मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सरसों के ऑयल में कुकिंग ये कोई सैकड़ों सालों से नहीं बल्कि सदियों से हमारे आबाव इजदाद इसमें करते आ रहे हैं लेकिन आज 2024 में लाहौर से डॉक्टर आयशा नासिर कहती हैं ये तो कैंसर का बायस है आप इसको किस तरह जस्टिफाई करती हैं देखिए हरगिज ऐसा नहीं है कि लाहौर से डॉक्टर आयशा नासिर ये कह रही हैं ये वो चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूव की जाती हैं बेसिकली सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल के नाम से जाना जाता है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है र्यूसिक एसिड करके जो अगर किसी भी खुराक में दो से ज्यादा है तो वो कारसिनो है क्या विच मीनस के वो कैंसर की वजह बन सकता है सरसों के तेल में वो 40 फीसद होता है और जितना सरसों का तेल खालिश होगा ये उसके अंदर उतना ज्यादा होगा कि वो जो हम बड़े फखर से कहते हैं ना हमने खुद खड़े होकर सरसों का तेल निकलवाया जितना खालिस है उतना उसके अंदर एसिड ज्यादा है विच मीन्स कि वो उतना कैंसरस हो सकता है आपने इतना बड़ा एक दावा कर दिया कि आपके पास कोई साइंटिफिकली कोई प्रूव है कोई सर्टिफिकेशन हैं क्या आपने खुद इसे अपना खुद टेस्ट किया है क्या आपके पास कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इसको डिक्लेयर किया है ऐसा नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इस तरह के टेस्ट नहीं करते होते ये बाहर से ही हमारे पास रिसर्च आती हैं और हम पाकिस्तान में जो न्यूट्रशनस्ट बैठे हुए हैं हम बाहर की रिसर्च ख़रीद के या तो पढ़ सकते हैं या उनको वैसे ऑनलाइन जो है वो पढ़ सकते हैं हाँ अलबत्त ये जो मैं रिसर्चेज़ कोट कर रही हूँ ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स की रिसर्चेज़ होती हैं हम हमारे पास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डाइटिशन के पास तो एटलीस्ट इतने ना तो टूल्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास ना ही इतने हमारे पास कोई वसाइल अवेलेबल होते हैं कि हम सरसों के तेल पर ख़ुद से न्यूट्रशनस्ट जो हैं वो कोई तहक़ीक़ात कर सके बाहर से किस मुल्क से आई मीन I mean, कोई यूरोपियन कंट्री ऐसा हो जिनकी आप हमें कोई एग्जांपल्स कोट कर सकें कि भाई उनके मुल्क में इस तरह रिपोर्ट आई है कोई हमें आप बताएं तो सही कि हमारे नाजरन ये यकीन कर सकें कि आयशा नासिर जो एक बात कर रही हैं वो वाकई वैलिड है देखिए मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, उसमें मस्टर्ड ऑयल को बैन कर दिया गया लाइक आप मुझे नाम बताएंगे उन कंट्रीज़ के अमेरिका uh, में बैंड है ये uh, यूरोप में सारे में बैंड है कैनेडा में बैंड है हाँ वह, वहाँ वहाँ पर भी बैंड है लेकिन जो वहाँ पर देसी कम्यूनिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर आप गोरों को देखें तो वो इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे वो जानते हैं इनफैक्ट अगर आप खुद भी पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि र्यूसिक एसिड क्या ख़तरनाक है कि नहीं है र्यूसिक एसिड डाइट के अंदर कितना होना चाहिए और सरसों के तेल के अंदर कितना मौजूद है कोई हार्ड एंड फास्ट फूड मैं आपकी बात एक लम्हे के लिए मान लेता हूँ कि आप दुरुस्त कह रही हैं कि इसमें वो एक कॉम्पोनेंट है जो बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है मेरा क्वेश्चन है मैडम सदियों से इस्तेमाल हो रहा है आज तक हमने कभी सुना नहीं सरसों के केवल में खाना खाने से बेचारे को कैंसर हो गया हम मैं कैसे मान लूँ इसे सदियों से हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते आ रहे हैं देखिए मैं पिछले दिनों एक बहुत आ, अपने सीनियर की एक बात पढ़ रही थी जिन्होंने ये कहा कि हम मिसर के लोगों को देखते थे एकपेत्रा वगैरह वहाँ पे लोगों की जो लाइफ होती थी वो कम होती थी उसकी वजह यह वो हर चीज़ को ख़ालिस्त समझ के कोई चीज़ मुँह पे लगा लिए कोई चीज़ खाने लग गए सिर्फ ये सोच के कि यह खालिस्त है और जिसकी वजह से उनमें रिएक्शन भी ज़्यादा होते थे जिनकी वजह से उनकी ओवरऑल लाइफ भी कम होती थी सदियों से इस्तेमाल होता है डजन मीन कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है हम कई गलतियाँ भी करते हैं इतने सालों से आज से कोई हज़ार साल पहले की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा जाते थे जो अब अब हम अलाउ भी नहीं करते अब हमें उसके साइड इफेक्ट्स भी पता है एंड एक वक्त था हम कहते होते थे कि अर्थ गोल है अब तो ये भी पता चल गया ना दुनिया गोल नहीं है तो विथ टाइम हम चीज़ें सीखते हैं हम चीज़ें लर्न करते हैं आज से पाँच साल पहले दस साल पहले हम कहते थे अंडे की जर्दी मत खाओ इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा हम कहते थे कोलेस्ट्रॉल बुरी बुरी चीज़ है अब विद टाइम हमें पता चला कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है कोलेस्ट्रॉल बुरा भी है अंडे की जर्दी में ही सारी न्यूट्रिएंट्स हैं अंडे की जर्दी नहीं छोड़नी देसी घी के बारे में हम कहते होते थे ये बहुत अच्छा है फिर हम कहते थे बहुत बुरा है अब हम फिर कहते हैं बहुत अच्छा है इसे कहते हैं रिसर्च रिसर्च का इसी तरह मुझे आज भी याद है कि आप अपने पेशेंट्स को कहती थी सरसों के ओल में खाना खाएं लेकिन आज आप कह रही हैं ना खाएँ कैसा फील होता है देखिए और मैं उन्हें साथ ये बताती भी हूँ कि मैं आज आप आप आज से मेरी कोई दो तीन साल पहले वाली वीडियोस देखें यह मैं कहती होती थी कि सरसों के तेल में खाना बनाएं इंडियन डाइटिशन्स आज भी कहते हैं सरसों के तेल में खाना बनाएं यही तो रिसर्च है सर्च जो हो चुकी है उसको दोबारा से देखना री सर्च करना जो पहले से तहकीकात मौजूद हैं जो पहले से लिटरेचर मौजूद है उसी के बारे में मज़ीद हक़ायक जानना आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तानी अवाम को कह रही हैं कि सरसों के वल में खाना ना पकाएं अल्टरनेट्स के हैं हमारे पास अगर आप वेजिटल ऑयल की बात करती हैं तो उसके डिसडवान्टजेस की अगर लिस्ट आपको पेश करूँ ना तो कई डजनस में होंगी अगर मैं आपको ऑलिव ऑयल की तरफ आ जाऊँ तो उसमें भी आपको पता है काफ, काफ़ी मसाल की लंबी लिस्ट है तो क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है हमारे पास एक्सेस ऑफ एवरी थिंगज़ बैड जो हम कहते हैं वजिटीबल ऑयल भाई आप एक हद में रह के कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो कोई मसले मसाइल नहीं होंगे अल्टर ऑललेस वो ह्यूमन कंजम्पन के लिए ठीक नहीं है जैसे ये मस्टर्ड ऑयल की हम बात कर रहे हैं जहाँ तक बात है ऑलि ऑयल की मैंने इतने पढ़े लिखे लोगों को

डिग्री पर गर्म हो रहा होता है चूल्हे की आग पर तप रहा होता है धुआं निकल रहा होता है इवन उसमें से कुछ आवाजें आ रही होती हैं तो उसमें जो मौजूद जरासीम है वो खत्म हो जाते होंगे क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो जो एसिड आप हमें बता रही हैं वो कम्पोनेट क्या पता उसकी एफिशेंसी थोड़ी कम हो जाए हरगिज ऐसा नहीं है कंपाउंड जिस तरह से खत्म नहीं होते उल्टा जब ऑयल को आप जिस तरह से तपा रहे हैं ना वो तो जहर बन जाता है हमारे लिए नहीं जी ये एक बड़ी बात सामने आ गई है कि अभी आयशा नासिर साहिबा यहां तक रुकी हुई थी कि ये सरसों का ऑयल कैंसर का बायस बनता है लेकिन अभी अभी इन्होंने हमारे व्लॉग में एक और दावा कर दिया कि ये जहर भी बन जाता है ये जहर कब बनता है इनसे एक बार दोबारा सुनते हैं जी मैडम कैंसर तक तो ठीक था अभी वही हमें हजम नहीं हो रहा आपने इसको जहर भी बना दिया इसमें ज़रा ज़रा काइंडली हमें तफसील से बताइएगा अच्छा जब मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं थी ना तब भी हम ये जानते थे कि जब हम ऑयल को बहुत ज्यादा पकाते हैं जब उसमें से पटाखे सुनाई दे रहे होते हैं तो उसके जो चें है वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं जि, जिसका मतलब है वो सैचूरेटेड फैट में कन्वर्ट हो गया विच मीन्स क्यों हम कहते हैं पकौड़ों का ऑयल बार बार बदलते रहो जितना ऑयल को आप तपाते रहेंगे जितने उसमें से पटाखे आपको सुनाई देंगे वो उतना आपके मुजरे सेहत है वो

आप उसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे वो जहर बनता जाएगा वो हार्ट को ब्लॉक करने की वजह बनेगा वो फाइबर का फाइबर कह के रही केरियो गंदे वाले ऑयल का जिसे हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल का एक ज़रिया बनेगा सेचुरेटेड फ़ैट का एक जरिया बनेगा हार्ट की हेल्थ के लिए ख़राब होता जाएगा वो जहर है और ये हमें पता है कहीं ना कहीं सरसों का ऑयल आपके नज़दीक कैंसर का बायस है और अभी हमें इंकशाफ हुआ वो जहर भी है आपके नज़दीक कोई भी जी कोई भी इसी तरह वेजिटेबल ऑयल आप कह रही हैं नॉट यूज़ ऑफ़ एक्सेसिव आपने लिमिटेड रह के करना है और इसी तरह ऑलिव ऑयल की आपने भी डिटेल्स बताई मेरा ख्याल देसी घी के भी आपके पास को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होंगे कि ये भी जहर है कैसा है कि आप देसी घी को पसंद करती हैं कि वो भी ज़हर है मेरा ये मानना है कि देसी घी बाकी ऑयल्स की नस्बत सुपीरियर नहीं है मतलब जो हम समझते हैं ये पता नहीं क्या ही चीज़ हो गई है ये हम बड़े फख्र से बताते हैं खाना तो हम देसी घी में बनाते हैं देसी घी अच्छी चीज़ है आपके जो फैट वालेबल वाइटमिन हैं उनकी एब्जॉर्बशन में हेल्प करता है लेकिन ये अगर आप सोचें कि ये सुपीरियर है बाकी ऑयल से तो ऐसा नहीं मुझे बताएं अगर आप कैटेगराइज करें वन टू थ्री फोर देसी घी ऑलिव ऑयल सरसों का ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल तो आपके नज़दीक आपकी कैटेगरीज क्या होंगी एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल सबसे ऊपर आएगा उसके बाद कैनॉलिव ऑयल आएगा उसके बाद देसी घी आएगा और एंड पे मस्टर्ड ऑयल आएगा